हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वीजा गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सबसे लो वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है। तो इस वीडियो में हम इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में समझेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाने वाली इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और उसके बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको अप टू 50 डेज का मतलब 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, और आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको वीज़ा की तरफ से ऑफर्स वगैरह मिलते रहेंगे अलग अलग कैटेगरीज पे, तो वो आप ऑफर्स चेक कर सकते हैं वीज़ा की वेबसाइट पे जाके। इस क्रेडिट कार्ड में आपको ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि 5 लाख रुपये का होता है, और ये जो है मेन कार्ड होल्डर के लिए होता है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड वीज़ा नेटवर्क के साथ में आता है, तो इसलिए जो इसकी एक्सेप्टेंस है ये वर्ल्ड वाइड है। इस क्रेडिट कार्ड में 1.5 लाख रुपए का लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है, कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए, और ऐसे में आप जो तुरंत ही बैंक को 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दें, तो अगर उस क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह हुआ रहेगा तो 1.5 लाख रुपये तक रिकवर कर लिया जाएगा। यही इसका मतलब होता है कि आपको 1.5 लाख रुपये का लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है। तो अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो 1.5 लाख रुपये के अंदर अंदर रहेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा, 1.5 लाख के ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन रहेगा तो सिर्फ 1.5 लाख तक ही जो है रिकवर करेगा बैंक, इससे ज़्यादा का नहीं करेगा। एडन कार्ड्स की भी फैसिलिटी मिलती है, तो आप 3 एडन कार्ड ले सकते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड के बेस पे। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलते हैं, लेकिन बैंक ने इसको क्लियर नहीं किया। तो जैसे ही इसके बारे में कोई भी क्लेरिफिकेशन मिलता है, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे दूँगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी क्रेडिट कार्ड को अगर आपको अप्लाई करना हो तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। बट ये हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि सारे बैंक डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्यों पीछे रहेगा। तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आपको ये ऑप्शन देगा कि आप जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, अभी के टाइम में आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरली अपने कस्टमर्स को ही क्रेडिट कार्ड इशू करता है, मतलब कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे क्रेडिट कार्ड मिलने के, और अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर नहीं हैं तो थोड़ा सा कम चांसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि नॉन कस्टमर को इशू नहीं करता है, करता है, लेकिन सेलेक्टिव बेसिस पे, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। बहरहाल दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी मिनिमम एज जो 18 साल की होनी चाहिए है, और मैक्सिमम एज 60 साल की हो सकती है, ये सैलरीड के लिए है। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्रोफेशनल है तो ऐसे में आपकी एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल हो सकती है। एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सैलरीड के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 60, और इसी तरह से जो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्रोफेशनल है उनके लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 65। और अगर किसी को एडन कार्ड दिलाना अपने फैमिली मेंबर में, तो एज होनी चाहिए जिसको आप एडन कार्ड दिला रहे हैं उसकी कम से कम 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर। इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट 1,80,000 रुपये पर एनम है, जो कि बहुत ही कम है। तो इतनी कम इनकम पे आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तो अगर आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो KYC डॉक्यूमेंट्स और जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है और जो फोटो वगैरह, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स, जो कि आप अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं तब भी उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जो बिजनेस पर्सन है या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जो प्रोफेशनल है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है 2 साल के ITR की कॉपी की, और उसके साथ में कंप्यूटेशन शीट भी होनी चाहिए है। और जो सैलरीड पर्सन है उनको लेटेस्ट सैलरी स्लिप के साथ में फॉर्म 16 या फिर ITR की कॉपी देना होगा। और अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, ना तो सिबिल स्कोर है, तो आप बिना इनकम प्रूफ के, बिना सिबिल स्कोर के भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा 25% मार्जिन के साथ में। सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जितना भी फिक्स डिपॉजिट कराएंगे उसके 75% आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी। इससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू करता है, तो कैसे इशू करता है उसमें मैंने बता रखा है सब कुछ, तो ज़रूर से वो वीडियो देखिएगा।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी 299 रुपीज़ प्लस जीएसटी है। जितने भी फीस और चार्जेस है सब पे जीएसटी ऐड किया जाता है। और अगर आप एड ऑन कार्ड लेते तो उसकी भी जो एनुअल फी होगी वो 199 रुपीज़ होगी, 199 रुपये प्लस जीएसटी होगी। और अगर आप ये क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपोजिट के अगेंस्ट में लेते हैं तब भी जो एनुअल फी है वो सेम ही रहने वाली है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से अगर आपने साल भर में 30,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए हैं, तो फिर जो एनुअल फी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। कैश लिमिट आपको 20% ऑफ द क्रेडिट लिमिट इस क्रेडिट कार्ड में दी जाती है। और अगर आप कार्ड को रिप्लेस कराते हो तो आपको 149 रुपीज़ का चार्ज देना होगा, 149 रुपये का, उसमें जीएसटी भी ऐड होता है, याद रखिएगा। अगर आप IRCTC से टिकट बुक करते हो तो उस पर सरचार्ज लगता है जो कि 1.5% होता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी 3% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट है। कार्ड को हॉटलिस्ट कराने का भी आपको 200 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हो, पैसे निकालते हो ATM से, तो आपको बहुत भारी भरकम चार्जेस पड़ने वाले हैं। 3% ऑफ द विड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना आपने पैसा निकाला है उसी के 3% आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम आपको 200 रुपये चार्ज देना ही होगा अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ATM से कैश विड्रॉ करते हो तो। और अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ATM से कैश विड्रॉ ना करते हुए किसी दूसरे बैंक के ATM से कैश विड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। मतलब चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन उसमें 50 रुपया एक्स्ट्रा रहेगा। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ATM से बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से बैलेंस इंक्वायरी करोगे तो उस पर 20 रुपये का चार्ज देना होगा। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं उन पर GST अलग से लिया जाता है, ये याद रखिएगा। और कैश विड्रॉ करने पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है जो कि 2.5% पर मंथ होता है, ये याद रखिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरेस्ट चार्ज के बारे में। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये डिपेंड करता है कि आपने मिनिमम पेमेंट ड्यू पे किया या फिर नहीं, जिसको मिनिमम अमाउंट ड्यू भी कहते हैं। तो अगर आपने वो पे किया हो तो आपको 2.5% पर मंथ देना है। और अगर यहाँ पे हम पर एनम के बारे में बात करें तो 34.49% आपको पर एनम इंटरेस्ट चार्ज देना होगा। और वहीं पे अगर आपने मिनिमम पेमेंट ड्यू या फिर जिसको हम मिनिमम अमाउंट ड्यू भी कहते हैं पे नहीं किया है तो फिर आपको जो है 2.95% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पर मंथ। और अगर यहाँ पे हम जो है पर एनम के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 41.75% पर एनम हो जाता है। ओवर लिमिट चार्ज के बारे में बात करें तो 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, जिसमें कि आपको मिनिमम 250 रुपये का चार्ज देना ही होगा। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज़्यादा स्पेंड करते हो तो वो ओवर लिमिट में आएगा और उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेते 3 महीने से पुराना तो उसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर आप फिजिकल पिन लेते हो जो कि एक लेटर भेजा जाता है आपके एड्रेस पे जिसमें आपका पिन होता है तो उसके लिए भी आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा। तो क्या ज़रूरत है इसकी, आप खुद से ऑनलाइन जो जनरेट कर सकते हैं या ATM से जनरेट कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है आपको कि आप जो है पिन मंगाएं फिजिकल। दोस्तों बात कर लेते हैं EMI चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से आप EMI भी करा सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले तो EMI के चार्जेस जान लीजिए। सबसे पहले आती है प्रोसेसिंग फ़ी, जिसमें कि आपको 2% प्रोसेसिंग फ़ी देनी होती है और वो भी मिनिमम 200 रुपये आपको देनी होगी और मैक्सिमम ये जा सकती है 1,000 रुपये तक। तो बहुत ज़्यादा ये लोग सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फ़ी ले रहे हैं। और वैसे अगर हम बात करें EMI के इंटरेस्ट के बारे में तो 16% आपको जो इंटरेस्ट देना होगा जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब ये प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा हो गया। और अगर आप प्री क्लोज कराते हो तो आपको वहाँ पर 2% जो है उसके लिए फ़ी देनी होगी। लेट पेमेंट चार्जेस 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये है, तो यहाँ पे ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब कि बकाया राशि 25,000 रुपये तक है तो वहाँ पे आपसे लेट पेमेंट चार्ज 200 रुपये लिया जाएगा, और वो 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर 500 रुपये लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ कि जितने फीस और चार्जेस होते हैं उन पे GST भी ऐड किया जाता है, तो ये ज़रूर से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा, क्या आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे या फिर नहीं। और अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा आपको फीचर और बेनिफिट तगड़ा वाला नहीं मिलता है। बट हाँ, ये क्रेडिट कार्ड एक नॉर्मल सा क्रेडिट कार्ड है, तो आप ज़रूर से अपना ओपिनियन बताइएगा। बस यही इसमें ठीक है कि आपको बहुत ही कम इनकम पे ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो इसका बस यही एक मुझे प्लस पॉइंट लगा, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसको ज़रूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर देखते हैं सोचिंग। बाय बाय।